अजमेर के कैसरगंज चक्कर के पास अज्ञात वाहन ने 2 साल के मासूम को टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान क्लॉक टावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया, जहां शव के पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों ने हंगामा कर दिया। काफी समझाइश के बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां मंगलवार को सुबह परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया गया है। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे कि वाहन चालक की जानकारी मिल सके। बताया जा रहा है कि कैसरगंज जीसी कॉलेज के पास ही रहने वाले बावरिया समाज के हरजी राम और उनकी बेटी कान्हा को लेकर बाजार खरीदारी करने गए थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और वहां से फरार हो गया। इस संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया गया है। जी सर, क्या मामला था और किसका पोस्टमार्टम? कल कैसरगंज चक्कर के पास में एक अज्ञात वाहन ने 2 साल के बच्चे है काना वागरिया जाति से था, उसके टक्कर मार दी। उसको उसकी जेएलएन हॉस्पिटल लेकर आए थे उसको उसके वारिसान, जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया, जिसकी लाश मोर्चरी में थी। आज उसकी लाश का पोस्टमार्टम पंचायत में मना करके करवाया गया जा रहा है, आगे की कार्रवाई जारी। सर कहाँ हुआ था ये? कैसरगंज चक्कर के पास। वागरिया है, वहाँ कोई सामान लेने के लिए इसकी माँ के साथ में, माँ इसके साथ में गई थी, माँ और नाना के साथ में, बच्चा भी साथ में था, तो वहाँ के अज्ञात वाहन से टक्कर मार दी। इस पर इनकी रिपोर्ट दी गई है, इस पर मुकदमा दर्ज हो गया, अनुसंधान जारी। मेरा नाम राजेश शर्मा, ASI थाना क्लर्क।